हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह विजेट को हम अपने डैशबोर्ड पैनल के थ्रू ऐड करेंगे अपने पेज में यानी अपने वेबसाइट में। तो आज हमने पिछले वीडियो में जो भी देखा था अपीयरेंस में थीम कस्टमाइज के बारे में, अभी हम अभी नहीं पढ़ेंगे। मैनुअल्स के बारे में हमने देख चुका था, अब हम विजेट्स के बारे में देखेंगे। विजेट्स क्या होता है और इसके क्या क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी अवेलेबल विजेट्स हमारे पास आरक्यू, ऑडियो, कैलेंडर, कैटेगरीज, कॉन्टेक्स्ट, एचटीएमएल, कस्टम मेन्यू, गैलरी, इमेज और भी बहुत सारे विजेट्स हैं। फिलहाल के लिए ये सब विजेट्स हमारे जो वेबसाइट में वो अभी एडेड हैं, ऑलरेडी एडेड हैं। जैसे कि सर्च रिसेंट, वो रिसेंट कमेंट्स, आरक्यू, कैटेगरीज एंड मेटा। जैसे कि मैं अपने वेबसाइट में जाके आपको दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट में देख सकते हैं जो हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ देखेंगे कि ये इसे कहते हैं विजेट्स। विजेट्स में एक प्लगइन होता है जो आपके वेबसाइट को और भी इजीली एंड यूजफुल की तरह आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सर्च सर्च एक विजेट्स है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट में किसी भी कॉन्टेक्स्ट एंड किसी भी चीज को जो भी है हम सर्च करने आगे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह रिसेंट पोस्ट, हम पोस्ट हमने जो पोस्ट पिछले लास्ट टाइम जो हमने पोस्ट किया था उसके जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये भी एक विजेट्स ही है। वैसे ही हम नीचे जाएंगे तो रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स एंड कैटेगरीज, ये सब विजेट्स है। अगर मैं इनमें से किसी एक को भी अगर डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैं सर्च को इधर डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है वो चला गया, सर्च विजेट जो है चला गया है। तो वर्डप्रेस हमें एक पहले से ही ऑलरेडी जो डिफॉल्ट विजेट्स रहते हैं जैसे सर्च रिसेंट पोस्ट कमेंट्स ये सभी देता है। हमने अभी इसे डिलीट कर दिया है इसलिए यहाँ से जा चुका है। ठीक है, हम वापिस ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कि विजेट्स किस तरह जो है हम अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले विजेट्स का जो ये थीम के अकॉर्डिंग विजेट्स रहते हैं। जैसे हमारा विजेट्स जैसे साइड बार है, नीचे फुटर एक और एक फुटर टू है। समझे? तो हम पहले एक जो है अपना सर्च जो हमने डिलीट कर दिया था उसे ऐड कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे साइड बार वन में जो है यहाँ पे अगर क्लिक करने पे ये थ्री ऑप्शन आते हैं, साइड बार, फुटर वन, फुटर टू। तो हमारे थीम के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे दिया है साइड बार एक, फुटर वन है, फुटर टू है, आप इसे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसे साइड बार में ऐड कर देता हूँ। ओके, मैं इसे टाइटल भी दे सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो टाइटल देना चाहें। तो जैसे डिफॉल्ट इसका टाइटल सर्च है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, सर्च हियर। ओके, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। देखिए वहाँ पे उनका टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए सर्च हियर लिखा है। मैं इधर क्लिक करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा सर्च बार वापस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए अभी नीचे जो कर रहे हैं सर्च हियर यहाँ पे सर्च। ओके, देखिए हमने यहाँ पे नीचे रखा है। अगर हम इसे ऊपर करना चाहें तो इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इसे ऊपर भी कर सकते हो। देखिए हमारा सर्च बार ऊपर आ गया। ओके, अगर हम फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो सर्च बार है वो ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका टाइटल भी चेंज हो चुका है, सर्च ही है। इसी तरह हम अपने विजेट्स को ऐड, रिमूव एंड चेंजेस कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा हम उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ से एक और विजेट्स लेता हूँ, कैलेंडर। अब कैलेंडर को मैं यहाँ पे जैसे कि साइड बार में मैं फुटर वन में ऐड करता हूँ। ओके, और इसे ऐड कर लेता हूँ अपने जो वेबसाइट के विकेट्स है उसमें। देखिए यहाँ पे दो पैनल बना हुआ है, एक अवेलेबल विकेट्स और एक विकेट जो हमारे वेबसाइट में एडेड है। ओके, तो इधर जो लेफ्ट पैनल है इसमें अवेलेबल विकेट्स जो वर्डप्रेस द्वारा प्रोवाइडेड है वो दिया हुआ है, इसे हम हमारे वेबसाइट में अभी ऐड नहीं है। ओके, बट इधर जो है ये हमारे वेबसाइट में ऐड है। ओके, जैसे हो गया सर्च सर्च रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आरक्यू, कैटेगरीज,
एंड मेटा, और अभी हमने फिलहाल कैलेंडर को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो मैं कैलेंडर का नाम देके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसे डिफॉल्ट ही कैलेंडर रहने देता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी आप अपना अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे अपना कैलेंडर ऐड हो गया हो। ओके, फिलहाल मैं तो देखिए, ये फुटर वन है, यहाँ पे अपना कैलेंडर ऐड हो गया। ओके, वैसे ही अगर हम सिंपल तौर पे करना चाहें तो, अगर फुटर पे करना चाहें तो फुटर टू पे अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहें, जैसे कि मैं कुछ इमेजेस ऐड कर देता हूँ फुटर टू पे। ओके, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, पिक्स। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे लिखा है नो इमेज सेलेक्टेड, तो मतलब यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। अगर हम चाहें तो इसे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज जाएंगे तो हमारा लाइब्रेरी पैनल खुल जाएगा। लाइब्रेरी पैनल में हमने इतने फिलहाल के लिए अभी इतने ही इमेजेस हैं स्टोर किए। चाहे तो अपलोड फाइल करके अपलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप, किस तरह फाइल अपलोड किया जाता है, किस तरह लाइब्रेरी इमेजेस इंसर्ट की जाती है, इसके लिए मैंने इस ट्यूटोरियल में पिछला वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे पीछे के वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से एक इमेजेस ले लेता हूँ, जिसकी जो 1080p का, इसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ सिंपली मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, 520, 293, 9 स्केलिंग एंड सेव। ओके, बैक आ जाते हैं, ऐड टू विजेट कर देते हैं एंड सेव। मैंने इसे अपने फुटर टू में ऐड किया हुआ है। तो अगर हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए, फुटर टू में आ गया। अब ये बोलेंगे कि फूटर टू फूटर वन नीचे कैसे है, तो ये थीम से, हमारे थीम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि आपने विजेट को किस तरह और किस पोजीशन पे सेट करना है। ओके, तो हमारे पास जैसे ये हमारा वेबसाइट है, जिसमें ये इधर जो है साइड बार है, जिसमें एक साइड है जहाँ हम अपने विजेट्स ऐड कर सकते हैं, और एक फूटर वन और फूटर टू है। जैसे ये फूटर वन और फूटर टू है। अब जैसे फूटर वन में अगर कुछ और मैं ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे कमेंट कैटेगरी ऐड कर देता हूँ फुटर वन में। ओके, तो देखिए फुटर वन में मैं कैटेगरी ऐड हो गया। अब यहाँ पे पूछा डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन शो पोस्ट काउंट शो ही आ रही थी, मैं इसे डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ओके, सेव हो गया। वैसे ही मैं फूटर टू में रिसेंट कमेंट्स ऐड कर देता हूँ फूटर टू में। ओके, तो सेव कर देते हैं। और देखिए नंबर ऑफ कमेंट्स तो 5, इसे आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं 5 पे ही रहने देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब अभी हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे या वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फूटर वन में हमारी कैटेगरीज दिखा रही है, जिसमें हमने ड्रॉप डाउन मेनू को ऐसा रखा है, इसमें आप ड्रॉप डाउन करके आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जो भी है। ओके, एंड रिसेंट सॉरी रिसेंट कमेंट्स में आपको जो भी लेटेस्ट 5 कमेंट्स है उसके बारे में दिखा रहा है। देखिए ये, तो ये फूटर टू में हमने किया था, तो फूटर टू में लाइन बाई लाइन आपके विजेट्स आते आएंगे, और फूटर वन में करेंगे तो फूटर वन में लाइन बाई लाइन आपके विजेट्स आते आएंगे, और आप अगर साइड बार में करें तो साइड बार में भी लाइन बाई लाइन आपके विजेट्स आ जाएंगे। तो आपने समझ ही गया होगा कि विजेट्स क्या होते हैं, इसके यूज क्या है, और इसे किस तरह आपने पोजीशन कर सकते हैं अपने वेबसाइट में।